हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। हाल ही में कंगना ने अपनी एक पोस्ट में आइटम नंबर ठुकराने का दावा किया था। इसके बाद स्वरा भास्कर ने फिल्म रज्जो में कंगना पर फिल्माए गए आइटम नंबर जुल्मी रे जुल्मी की लिंक शेयर करते हुए उन पर तंज कसा था। अब कंगना ने स्वरा पर पलटवार किया है और उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया है। कंगना ने यह दावा किया है कि आज वो जहां है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगाया है। कंगना ने स्वरा पर निशाना साधते हुए लिखा, जब भी कभी मैं ए लिस्टर्स पर सवाल उठाती हूं, तब ये बी ग्रेड सिपाही की तरह उनके बचाव में आ जाते हैं। आइटम नंबर ऐसा गीत है जिसका फिल्म की कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने नाच गर्ल का किरदार निभाते हुए भी इस बात का ध्यान रखा कि ये महिलाओं के लिए अपमानजनक ना हो। कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ये बी ग्रेड्स नहीं समझेंगे, लेकिन मैंने भंसाली और फराह खान को भी आइटम सॉन्ग करने से मना किया है, जिन्होंने कुछ ए लिस्टर्स को रातों रात सेंसेशन बना दिया। आज मैं जो भी हूं उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है। वापस बी ग्रेड लकड़ बग्गों पर आते हैं। अगर ये डायरेक्टर आपको ऐसे ऑफर दे तो आप रेंगते हुए चले जाओगे। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर कहां से शुरू हुआ ये आइटम सॉन्ग का मुद्दा और फिर से इसमें स्वरा क्यों कूदी, जिसके बाद कंगना ने उन्हें दोबारा से बी ग्रेड एक्ट्रेस बोलकर लताड़ दिया। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने विवादित बयान देते हुए कंगना रनौत को नाचने वाली कहा था। इस पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने लिखा था, ये जो मूर्ख है क्या ये जानता है कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया नहीं हूँ। मैं इकलौती हूँ जिसने आइटम नंबर्स करने से इनकार किया, बड़े हीरोज के साथ फिल्म करने से मना किया, जिन्होंने मेरे खिलाफ पूरे बॉलीवुडिया गैंग मैन विमेन बनाई। मैं राजपूत महिला हूँ, मैं कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूँ। कंगना के इसी ट्वीट के बाद स्वरा ने पंगा गर्ल को घेरने की कोशिश की थी। स्वरा भास्कर ने एक ओर जहां कांग्रेस नेता के बयान को गलत और बेवकूफाना बताया था, वहीं कंगना के आइटम नंबर ठुकराने के दावे को गलत बताने के लिए रज्जो के आइटम नंबर की लिंक साझा की थी और लिखा था, फिल्म रज्जो के इस आइटम नंबर में आपका डांस पसंद आया, आप बेहतरीन परफॉर्मर और डांसर हैं कंगना, आपके अगले डांस का इंतजार है। इसके अलावा स्वरा ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा था, सुखदेव पांसे ने बेवकूफाना, सेक्सिस्ट और पूरी तरह से निंदनीय बात कही है, कंगना आपने इसे और बदतर कर दिया है। स्वरा की यही बातें कंगना को चुभ गई और पंगा गर्ल ने उन्हें ट्विटर पर ही लताड़ दिया। वैसे दोनों के बीच ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दोनों एक दूसरे पर तंज कस चुकी हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।